हे गाइस, दिस इज गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, वो होने वाली है बहुत ज़्यादा मजे की, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तानी पंजाब वाइस इंडियन पंजाब। और आज हम देखेंगे पाकिस्तान का पंजाब कैसा है और इंडिया का पंजाब कैसा है। तो मैं इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट दोस्तों, 14 अगस्त 1947, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। साथ ही उस दिन कुछ और भी हुआ था, और वो है पंजाब का बंटवारा, जो दो हिस्सों में हुआ था दोस्तों, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब। और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के पंजाब का पाकिस्तान के पंजाब के साथ। जब 1947 में आजादी और पार्टीशन के वक्त ये बंटवारा हुआ था और पंजाब के दो हिस्से हुए थे, तो उसमें 56% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया था और 44% हिस्सा मिला था भारत को। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो हिस्सों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आजादी के बाद कितनी तरक्की की है इन दोनों हिस्सों ने, जो आज से करीबन 73 साल पहले एक जैसे ही थे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ किसी भी कंट्री की तरफ से बात नहीं करेंगे हम। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपके सामने हम केवल फैक्ट्स पर ही बात करें, ताकि आपको सही और सच्ची जानकारी मिल सके। आपको सबसे पहले बताते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। तो 1947 से पहले पूरा पंजाब ही बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब जितना आज पाकिस्तान का पंजाब है करीबन उसका दो गुना। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान एक नया देश बनाया गया धर्म के आधार पर, और उसी तरह बंटवारा हुआ पंजाब का भी। करीबन 56% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान को मिला और 44% भारत में। लेकिन आने वाले समय में कई कारणों की वजह से भारत के पंजाब को कुछ और हिस्सों में बांटा गया, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और आजकल दिल्ली शामिल है। यानी पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, उनकी इस्लामाबाद कैपिटल, और भारत का हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये सब आजादी से पहले एक अकेला पंजाब हुआ करता था। आज पाकिस्तान में पंजाब उनका सबसे पॉपुलस यानी आबादी वाला प्रोविंस है। जब साल 2017 के मुताबिक 11 करोड़ की आबादी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रहती थी, वहीं भारत का पंजाब इस डिस्ट्रिक्ट के साथ आज आबादी के लिहाज में भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी 2.8 करोड़ के आसपास है। जीडीपी, क्षेत्रफल और आबादी, अब अगर हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो जीडीपी का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो कि एक क्लियर आइडिया देता है कि किसी जगह के हालात आखिर कैसे हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस उनका सबसे वेल्दीएस्ट प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस की जीडीपी करीब $162 बिलियन यानी कि 1727 पर कैपिटा है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, इसलिए भारतीय पंजाब का भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज भी मुश्किल से 3% के आसपास ही हो पाता है। लेकिन फिर भी भारतीय पंजाब की जीडीपी इस वक्त $81 बिलियन है, जो कि $2300 पर कैपिटा बनती है। और ये नंबर आपको ज्यादा तब इम्प्रेस करेगा जब आपको इन दोनों ही पंजाब के एरियाज के बारे में पता चलेगा। पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रोविंस करीबन 205,344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है। वहीं आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि बलूचिस्तान, जो कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान में चारों प्रोविंस से सबसे छोटा है। जी हाँ, वहाँ सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। वहीं भारत के पंजाब स्टेट का कुल एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पंजाब स्टेट को एरिया के लिहाज से भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। 1947 में क्योंकि पाकिस्तान को रिलीजियस बेसिस पर बनाया गया था, इसलिए वहाँ पंजाब प्रोविंस में भी मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है। धर्म के आधार पर अगर आबादी की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में 97% मुस्लिम्स रहते हैं, 2.31% क्रिश्चियंस और 0.69% बाकी धर्मों और जातियों के लोग। वहीं भारतीय पंजाब में इस वक्त 57.69% सिख, 38.49% हिंदू, 1.94% मुस्लिम्स, 1.25% क्रिश्चियंस, 0.16% जैन्स और 0.14% बुद्धिस्ट, और बाकी बचे हुए कुछ और धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से बेहतर स्थिति में लाइफ स्टाइल एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि एक ही पंजाब से आखिरकार ये दोनों पंजाब बने, इसलिए खाने पीने और रहन सहन की चीजें कहीं ना कहीं दोनों ही जगहों पर कुछ हद तक एक जैसी हैं।
हाँ, इतने सालों में हुए डेवलपमेंट में कुछ चीजें जरूर बदली हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में आप आज भी भारत के पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में काफी समानता देख सकते हैं। पंजाब का खाना तो वैसे भी पूरे भारत में फेमस है, लेकिन फर्क बस इतना है कि मीट कंजप्शन पर पर्सन पाकिस्तान में ज्यादा है, और अगर बात करें स्ट्रीट फूड की तो आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भारत के मुकाबले थोड़ा सस्ता जरूर मिलेगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वो हमारे लिए थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि हमारी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है। हाँ। और ऐसे इंटरनेशनल आउटलेट्स जैसे कि डोमिनोज या पिज्जा हट भी हमारी करेंसी के हिसाब से उनके वहाँ थोड़े सस्ते जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस एरिया में बहुत बड़ा है, उनके यहाँ डेवलपमेंट भी उतनी ज्यादा है। अब पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे वेल्दीएस्ट प्रोविंस भी है। डेवलपमेंट के मामले में वे लगभग पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, भावलपुर, फैसलाबाद जैसे सारे इंपॉर्टेंट डिविजन्स पंजाब प्रोविंस के अंदर ही आते हैं। और तो और, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी उसके अंदर गिना जाता है। वहीं भारत का पंजाब मॉडर्न डेवलपमेंट के मामले में आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, अगर उसे भारत के कुछ काफी डेवलप्ड स्टेट से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन अपने जीडीपी के बलबूते पर वो आज भी खुद को भारत की इम्पोर्टेंट स्टेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाता है, और इसीलिए पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मॉडर्न डेवलपमेंट भी थोड़ा ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि वो उनके लगभग सारे इम्पोर्टेंट एरियाज को कवर कर लेता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और आखिर में जो एक चीज जो दोनों तरफ के ही लोगों को बहुत जरूरत है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, एयरवेज, रेलवेज, ट्रेन तो होती हैं, लेकिन इसी के अंदर लाहौर बस सर्विस भी ऑपरेशनल है। और अभी कुछ समय पहले ही वहाँ मेट्रो ट्रेन भी शुरू की गई है, जो कि एक ऑरेंज कलर की रेड मेट्रो लाइन है, जिसे सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया गया था। वहीं अगर बात करें भारतीय पंजाब की तो साइज में छोटा होने के बावजूद एयरवेज और ट्रेन वगैरह की सुविधा तो यहाँ भी उपलब्ध है ही। अमृतसर में आपको मेट्रो बस सिस्टम भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कुल 7 लाइंस के साथ 47 स्टेशन बनाए गए। फिलहाल इस वक्त पंजाब में कोई भी मेट्रो ट्रेन का सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद आपको आने वाले समय में पंजाब में हाइपर लूप देखने को मिल सकती है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ हाइपर लूप के एक रूट को कुछ समय पहले प्रपोज किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में अमेरिकन कंपनी वर्जिन हाई लूप को दिया जा सकता है। इससे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का पंजाब भारत के पंजाब से आगे है। एयरपोर्ट्स, और अब अगर जाते जाते आखिर में बात करें नेशनल एयरपोर्ट्स की, तो कुल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, जिसमें अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो। वहीं भारतीय पंजाब में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंक्लूड करके 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें दूसरा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, जो कि अमृतसर से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये था कुछ चीजों में भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब का कंपैरिजन। वैसे कहने के लिए तो एक पंजाब का कंपैरिजन था, लेकिन अगर साइज और बाकी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पंजाब ने लगभग आधे पाकिस्तान से टक्कर ली है। दोस्तों, आपको कंपैरिजन कैसा लगा? आप में से कितने लोग पंजाब से वीडियो देख रहे हैं? और जी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। मुझे तो भैया वाला कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो मैं वेट कर रही थी वो था ड्रेसिंग का, बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, यहाँ के पंजाब के, वहाँ के पंजाब की ड्रेसिंग कैसी है। और ये चीज़ें मुझे सुनने का बहुत ज़्यादा था कि वो शायद वो भी मुझे देखने को मिले, लेकिन वो नहीं था। लेकिन खैर, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी बात करने के लिए, और वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे ये वीडियो देखने के बाद ही अंदाज़ा हुआ है कि जो हमारा पाकिस्तान का पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है ऑलमोस्ट सेम है। बस ये कि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली इंडिया हमसे बहुत बड़ा है पॉपुलेशन में। ये अच्छी बात भी है लेकिन बुरी बात भी है, क्योंकि पॉपुलेशन पे हमें जो है कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अभी सही इतना ज़्यादा कंट्रोल की वो लोगों के ऊपर आ रही है कि लाइक पाबंदियाँ लग रही हैं पॉपुलेशन पे कि आप लोग पॉपुलेशन को मज़ीद मत बढ़ाएं, क्योंकि आगे जाके नुकसानदेह होती है। तो खैर, बाकी इसके खाने, इंडिया के खाने और हमारे खाने ऑलमोस्ट सेम थे। और ट्रैफिक की जो बात की उन्होंने, वो भी ऐसे था कि ऑरेंज लाइन का इन्होंने जिक्र किया कि वो भी नहीं बनी, लेकिन वो बन चुकी है ऑरेंज लाइन, ऑरेंज ट्रेन जो है। मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, बाकी वक्त मुझे पता नहीं, लेकिन लाहौर में तो ऑरेंज ट्रेन जो है वो चल रही है। मेट्रो बस भी है और ऑरेंज ट्रेन भी है। और बाकी जो है इसकी ट्रैफिक, लाइक
ट्रैफिक वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक चीज़ जिसमें अच्छी लगी कि हाँ आपको जो है हर तरह की जो है आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगी। और इसमें एक रेडी थी गदा गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी नज़र आ रही थी मुझे, वो बहुत ज़्यादा फनी लगी कि हाँ भाई यहाँ पे तो, हालांकि लाहौर में हम लोग रहते हैं मॉडर्न है सिटी है, लेकिन यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है गदा गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फ़नी भी लगती है। और आपको कैसा लगा ये वाला रिएक्शन और ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर आपको जो सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे बताइएगा कि ये चीज़ हमारी अच्छी है। हो सकता है कि मुझे पता ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि इंडिया जो लोग भारत से हैं मुझे वो लोग जरूर बताएं कि भारत के पंजाब में कौन सी चीज़ हमसे ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और बस यही था मेरा आज का रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।